हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज शेखर जहांगीर। सो नेक्स्ट टॉपिक इन आवर सीरीज इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द इक्वेटोरियल प्लेन मींस। ठीक है, ये क्या है। तो डायपोल के बारे में जनरली पता है। डायपोल वी ऑलरेडी डिस्कस द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया आपका डायपोल। इसका इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होगा। एक ऐसा प्लेन जो इसके सेंटर से पास हो रहा हो, सेंटर ओ। एज यू नो द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज 2a, तो यहाँ से ये कितना हो गया a और a। इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा हुआ, ऐसा प्लेन जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा हो इसके। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, जो कल आपने एक्सिस लास्ट वीडियो में एक्सिस का डेरिवेशन किया था, तो ये एक्सिस इसकी ये होती है, एक्सिस के ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर और बीच में से सेंटर से क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, सो इफ दिस इज ए डायपोल एंड दिस वी कंसिडर एज इक्वेटोरियल प्लेन, इसको इक्वेटोरियल प्लेन लेंगे और इस प्लेन के हर एक पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये सेंटर से पास होने वाला, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, पर ये परपेंडिकुलर नहीं है किसके, एक्सिस ऑफ द डायपोल। ओके, लेट स्टार्ट द डेरिवेशन। लास्ट वीडियो में जो अपन ने एक्सिस के लिए डेरिवेशन किया था, उसमें जो कॉन्सेप्ट था वो ही यूज करने वाले हैं। यानी हम क्या करने वाले हैं, माइनस क्यू चार्ज से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, प्लस क्यू से यहाँ कितना बनने वाला है, एंड देन वी एड दिस टू रिजल्ट। कैसे ऐड करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है, देखते हैं। ठीक है, तो इसको तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज योर इक्वेटोरियल प्लेन, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट इक्वेटोरियल प्लेन, एंड लेट दिस इज ए पॉइंट पी, दिस इज अ पॉइंट पी ऑन दिस प्लेन, वहां ये निकालना है। ठीक है, तो पहले अगर देखो मैं प्लस क्यू से बात करता हूं, तो प्लस क्यू से फिल लाइंस ऐसे स्टार्ट होगी और इसके लिए आउटवर्ड्स होती है। फॉर द पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड्स, तो इससे मैं ये आउटवर्ड्स ड्रॉ कर दूंगा, ये आउटवर्ड्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज ये फील्ड लाइंस कैसे होती है, इनवर्स। तो नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो ये डॉटेड लाइन शो कर दो और यहां पे आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हो गया, कि प्लस क्यू से फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स बनती है, सी इन दिस डायग्राम, एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर इनवर्स। ठीक है, तो प्लस क्यू से ये आउटवर्ड्स हो गई और नेगेटिव से, तो इस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनने वाले हैं बाय दिस टू चार्जेस, उनकी डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दी। नाउ कम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेस, इनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सो फर्स्ट इज ई प्लस क्यू, 1/4πε0, दिस इज फॉर्मूला। देखिए पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला कोने में लिखा हुआ है, उससे अपन यूज कर रहे हैं, और ये क्यू चार्ज आ गया। डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी पड़ेगी। एज यू नो दिस इज व्हाट ए एंड ए, कल आपने जब एक्सिस वाला डेरिवेशन किया था तो आपने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है वो पॉइंट से आप डिस्टेंस जो काउंट करते हो वो सेंटर से काउंट करते हो, ओ से। याद आया, यहां भी ये करेंगे, यहां अपना सेंटर ये रहा और पॉइंट कौन सा ये रहा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल। सो इन दिस सिचुएशन दिस डिस्टेंस बिकम आर, ये सेंटर से डिस्टेंस आर बन गई है। इस केस में सेंटर से इस पॉइंट पी यहां था, अब सेंटर से पी पॉइंट वहां चला गया है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस आ गई है। तो अब आपको प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
आउटवर्ड्स बन गई है, लेकिन ये डिस्टेंस बतानी है आपको, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड और पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज तो ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड तो पता ही है, दैट इज क्यू, पर इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ का आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, ये यहाँ पे इसको मैं एंगल थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वेटोरियल से थीटा पॉइंट पर बन रहा है, ये थीटा है इधर आपका, ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि देखो बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए जितना एंगल यहाँ से ये बनाएगा उतना एंगल यहाँ से ये बनाएगा, दोनों एंगल सेम रहेंगे, तो ये थीटा मैं यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो एक तरह से थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पता आपको, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूस होता है, और बचा कौन फिर, बेस बचा। इसका मतलब आपको जो ये डिस्टेंस यहाँ नीचे पुट करनी है, ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है। और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा आपने, उस पढ़े में क्या पढ़ा, आपका आर स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस डिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि अपन जब माइनस क्यू से हम निकालने वाले हैं, तो माइनस क्यू से भी आपको डिस्टेंस चाहिए होती है, यही आर डिस्टेंस वहां काउंट होगी, यही ए डिस्टेंस वहां काउंट होगी, क्योंकि टोटल यहां पे कितना होता है, 2e होता है। तो यहां से आप देखोगे तो ये डिस्टेंस भी सेम आपका आंसर आएगा, दैट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो प्लस क्यू से आपका, प्लस क्यू से जब आप निकाल रहे हो, इसका चार्ज आपके पास आ गया है। अब ये डिस्टेंस पुट करना है, फॉर्मूले में देखो कोने में डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, और स्क्वायर आने से क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है, तो केवल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ फॉर द माइनस क्यू चार्ज, सिमिलर फॉर्मूला, 1/4 epsilon, माइनस क्यू है लेकिन मैं क्यू ले रहा हूँ, वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, माइनस साइन वहाँ कुछ डायरेक्शन का सेंस देगा, हमें अभी डायरेक्शन की बात नहीं करनी, हमें केवल किसकी बात करनी है, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन लास्ट में ऐड कर देंगे, लास्ट वीडियो की तरह, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पे काउंट होगी, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये रूट हट के आपका सिंपल फॉर्म में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट है एक्सिस वाले से, एक्सिस में क्या था, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन में थे, दे आर कोलिनियर, कोलिनियर होने से क्या हुआ कि आइदर एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया, दो डायरेक्शन पॉसिबल थी। बट अभी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आ गया है, एक प्लेन में आ गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एक्स वाई में एक प्लेन में आ गए हैं, और प्लेन में अगर अपन को यूज करना है तो इनके कंपोनेंट्स बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, अगर मैं इनको सिंपल आपके कल वाले फॉर्मूले की तरह इनको ऐड करना चाहूं, कि आपके पास पी आ गया, आपके पास क्यू आ गया पैरेललोग्राम के, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से इनको ऐड करना जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर है, लेकिन थीटा की वैल्यू अभी आपको यहाँ पता नहीं है, थीटा ही आपके डेरिवेशन में साथ चलता रहेगा, इस थीटा को अपन को यहाँ से हटाना है, नहीं यूज करना है इसको। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने 11th क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं, कंपोनेंट्स पढ़े हैं, वो निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं तो उसमें अपन पढ़ेंगे, देखो कैसे वैक्टर बनाते हैं, जो भी वैक्टर प्लेन में आ जाता है उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, ठीक है। वहाँ ये मंत्र याद कर लो, थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा होता है, और थीटा के अभी वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा होता है। तो किसी भी वेक्टर को जो प्लेन में होता है उसको अपन दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। देखिए यहाँ सिंपल एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कोई पर्सन है, उस पर्सन को ये रिवर है, इसको क्रॉस करना है, ठीक है, ये स्विम करना शुरू करेगा। आप देखोगे वो यहाँ से जैसे क्रॉस करेगा, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जैसे वो स्विम करना स्टार्ट करेगा वो डायरेक्ट इस एंड से इस एंड पे नहीं पहुँचेगा, इस पॉइंट पे नहीं पहुँचेगा, वो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे नहीं पहुँचेगा, वो कहाँ पहुँचेगा, सी। क्यों पहुंचा, क्योंकि ये जो इसकी वेलोसिटी आपको दिख रही है, अगर आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, मान लो आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो आपको ऐसा जाता हुआ दिखेगा। अब वो खुद की वेलोसिटी, वो इधर जाना है उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है वो अकेली वेलोसिटी नहीं है, दो वेलोसिटी मिलके ये रिजल्ट आया है। कौन कौन सी दो वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में तो उसको रिवर अपनी तरफ खींच रही है, और वो इधर जाना चाह रहा है,
दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये दोनों वेलोसिटी एक साथ एक्ट कर रही है, रिवर उसको इधर ले जाना चाहती है, खुद वो इसको क्रॉस करके इधर जाना चाहता है, दोनों एक साथ एक्ट करेगी तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस वाली वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी वी है उसके भी मैंने दो कॉम्पोनेंट्स बना दिए है, एक तो वी आर एक वी एम। आगे समझ में, तो क्योंकि ये प्लेन है, एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन हमें दिख रहा है, ये वेक्टर जो आ रहा है वो एक प्लेन में आ रहा है, इसको इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ भी अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक प्लेन में आ गया है, इसके भी अपन ऐसे ही कंपोनेंट बनाएंगे। 11th क्लास का है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना ध्यान रख लीजिए थीटा के साथ वाला कोस थीटा और थीटा के अवे वाला साइन थीटा, और थीटा पहले हमें पता करना होगा। तो देखो ये थीटा आ गया, अब देखो यहां दोनों का मैं मैग्नीट्यूड देख रहे हो आप, यहां दोनों में देखो आप दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू, दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं, दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इनको मैंने एक ई कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आप ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू हो गए, तो एक तरह से मान लो कि इस पेन पे एक फोर्स इधर लग रहा है और इस पेन पे एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, दोनों सेम एंगल पे हैं, यहाँ से और यहाँ से। अब दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं सेम कर दूँ, इधर से भी कोई पर्सन है उसको 2 न्यूटन से खींच रहा है इस पेन को, और इधर से जो पर्सन है वो भी 2 न्यूटन से अगर इसको खींचता है, दोनों एक साथ एट ए सेम टाइम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये पेन कहाँ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। किस कंडीशन में, जब दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स इक्वल हो और उनका एंगल इक्वल बन रहा हो बाइसेक्ट से। ठीक है, तो अब अगर इसका फोर्स बड़ा होगा तो ये थोड़ा इस तरफ जाएगा, अगर इसका फोर्स बड़ा होगा तो थोड़ा इस तरफ जाएगा, पर दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट लाएंगे अपन, तो यहां भी ये रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, बोथ आर इक्वल एंड वी रिप्रेजेंट इज जस्ट विद द ई सिंबल। तो अब यहां दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के बीचों बीच आएगा, ये दोनों के बीचों बीच इनका रिजल्टेंट आ गया है, और इसको मैंने नाम दे दिया है ई इक्वेटोरियल। क्या नाम दे दिया, इक्वेटोरियल। तो अब यहां तो आपने ऐसे कंपोनेंट्स बनाए, अब यहां अपन कंपोनेंट्स बनाएंगे कैसे, आपका ये ई दिख रहा है तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे दो पैरेलल लाइन हो और उनको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जा रही हो, तो इफ ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, सो इन आर केस ये थीटा है तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया। फिर ये जितना भी एंगल हो, ये एंगल जितना भी हो, आपको पता है कि इनका रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब ये टोटल एंगल को ये इक्वेटोरियल वाली लाइन है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी जितना एंगल यहां है उतना ही एंगल यहां है, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एंगल मिल गए, तो अब एंगल मिलने का रूल क्या है, ये लगा दिया अब आपने, जैसे ए के साथ वेक्टर ए है उसके साथ जो थीटा बना रहा है उसका नाम हो गया ए कॉस थीटा, ए के साथ जो थीटा नहीं बना रहा है उसका नाम हो गया ए साइन थीटा। 12th में इतना याद कर लो आप, कैसे आया वो अपने 11th के कौन चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको दिख रहा है ई प्लस क्यू के साथ जो बन रहा है वो ये आ गया, दिस इज ई, जैसे वो ए का ए कॉस थीटा बना तो यहाँ ई प्लस क्यू का क्या बन गया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर लेते दूसरा ये आगे, दूसरा ये ई प्लस क्यू, परपेंडिकुलर में कौन सा होता है जो थीटा के साथ नहीं है, दैट इज ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब इसमें देखो आपके पास एक वेक्टर और है, कौन सा, ई माइनस क्यू, अब ई माइनस क्यू का भी इधर देखो थीटा के साथ एक बनेगा, दैट इज ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इधर ये बन गया ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि देखो आप ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों इक्वल है, तो इसको मैं ई साइन थीटा रीड कर लूं, इसको भी मैं ई साइन थीटा रीड कर लूं, बिकॉज ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल्सो इक्वल टू ई, तो ये e cos sin थीटा हो गया, ये e sin थीटा हो गया, बट दीज टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है और दोनों इक्वल है। व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर देन
दे कैंसिल ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से e प्लस क्यू साइन थीटा नीचे वाले e माइनस क्यू साइन थीटा से कैंसिल हो गया। लेकिन इस कंडीशन में आप देखोगे, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में होने से क्या होगा, ये एड हो जाएंगे, ठीक है, ये एड हो जाएंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं एट इक्वेटोरियल, तो वो किससे बन रहा है, e प्लस क्यू से बन रहा है cos थीटा, और दूसरे माइनस क्यू वाले के cos थीटा कंपोनेंट से ही बन रहा है, क्योंकि उन दोनों के कंपोनेंट्स आपने कैंसिल करवा दिए, ठीक है। तो ये आ गया है, अब e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू एज e प्लस क्यू इज इक्वल टू e एंड e माइनस क्यू ऑल्सो इक्वल टू e, सो वी कैन रीड दिस टर्म e cos थीटा एंड e cos थीटा, सो e cos थीटा बिकम 2e cos थीटा, ठीक है। सो आवर फाइनल रिजल्ट इज e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ e फ्रॉम एज e इज इक्वल टू e माइनस क्यू एंड e माइनस क्यू इज इक्वल टू दिस टर्म, तो पुट द वैल्यू ऑफ e दैट इज 1/4πε q अपॉन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब cos थीटा कहां से लेके आएंगे, तो देखो इसी के अंदर में आपको cos थीटा इस ट्राइंगल से आपको यूज करना है। कैसे यूज करोगे cos थीटा, ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको थीटा दिख रहा है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos इज बेस अपॉन hypotenuse, cos थीटा इज what, बेस अपॉन hypotenuse, सो what इज द बेस इन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल बेस इज a, and what is the hypotenuse is this triangle, under root a square plus r square, so the cos theta is equal to a upon under root की term में power half मैंने use कर ली। Put the value of cos theta from the triangle that you have just calculate, that is r square plus a square to power half। नीचे देखिए दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस है, तो जब सेम बेस होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स, आई होप यू ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है। तो अब मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो का ये फायदा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो चीज इरेज हो गई उसको आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, सही। और e इक्वेटोरियल नाउ, e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, ऊपर देखिए मुझे एक चीज दिख रही है, q दिख रहा है, और q के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 2a, यानी मुझे q दिख रहा है और उसके मल्टीप्लाई में कौन है q है, पता है आपको पिछले वीडियो वाला p डायपोल मोमेंट, तो ये p हो गया है। तो ऊपर मैंने 1/4πε को तो एज इट रखा और ये p आ गया, ठीक है। नीचे आप चेक कीजिए, बेस सेम होता है तो देखो जिसकी पावर लिखी हुई नहीं, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, उसकी पावर 1 होती है, और 1/2 क्या होता है 3/2, ऐड कीजिए तो ऐड करने पे आप पास क्या जाएगा 1/4πε, और ये दोनों पावर ऐड होके क्या आ गई 3/2 आ गई। फिर वही कंडीशन लेंगे, यानी हम इसको क्या बनाएंगे, एक पॉइंट डायपोल बनाएंगे। फॉर दैट वी कंसिडर दैट द डिस्टेंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू द e, ठीक है। तो उस केस में इस a को स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, सो योर e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε p अपॉन, यहां देखिए अब इसको हटा दूंगा तो p अपॉन r स्क्वायर टू पावर 3/2, तो अब इसको पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। योर फाइनल आंसर, फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट इज दिस, आगे सुन में, दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, बट एज यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें यहाँ वेक्टर भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कल वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, क्या होता है जब आप डायपोल लेते हैं, तो डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर, देखिए ये दोनों तो कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो ड्यू टू दिस कॉस थीटा कंपोनेंट्स ऑफ बोथ चार्जेस,
उनसे बन रहा है, उनसे बन रहा है, और वो जब ऐड होंगे तो इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन का मीनिंग क्या हो गया, जो आपने पी कैप डायरेक्शन डिसाइड कर रखी है उसके जस्ट ऑपोजिट हो गया। तो अगर ये पी कैप डायरेक्शन है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, माइनस पी कैप। नाउ एड द डायरेक्शन इन द योर मैग्नीट्यूड, और वंस यू एड द डायरेक्शन विथ योर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम वैक्टर क्वांटिटी, और ये वैक्टर बन जाएगा। पी को माइनस शो करना है, ये माइनस आगे आगे, तो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया विद द डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन। तो एक चीज यहां से लेसन दिख रहा है आपको, बिकॉज इन द लास्ट वीडियो यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द डायपोल विच इज इक्वल टू दिस मच, दिख रहा है 2p अपॉन आर क्यूब, और यहां केवल सिंपल पी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ ऑफ, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ ऑफ एक्सिस, क्यों एक्सिस पे जो बन रहा है उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, ये वाली टर्म आ जाएगी, एंड इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो एक्सिस का हाफ बन रहा है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस रिलेशन को लेके। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।